मैंने कहा बेटा मुझे चाय पी लेके जा, पापा मैं अभी आया। उतना ही 5 मिनट में काम हो गया। तेरे को मार के मैं संगम प्यार का ना अपनी ऐसी दहशत बना दूंगा ना संगम प्यार में। जितना दर्द मेरी माँ को आज हुआ है ना उतना इसके खानदान वालों को मैं दूंगी। बाहर में गई पुलिस और बाहर में गई सारी प्रशासन, नहीं चाहिए। मैं कल ड्यूटी नहीं गई थी मैडम, साथ चलाए मम्मी अभी माने की चल हॉस्पिटल लेके बोल चाल तो कुछ नहीं कर रहा, चाकू लगा था नहीं बात कर रहा था। सिर्फ पिताजी उसका पकड़ा गया है, उसके बाप पकड़ाया है, पर नहीं आज कोई नहीं पकड़ा है, तीनों फरार है। हाँ तीनों फरार है, पुलिस कुछ नहीं कर रही इस कार्रवाई में, आराम से हाथ में हाथ डाल के पंखे में कूलर के हवा खा रहे हैं वो। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग संगम विहार में मौजूद है और यहां से एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवक के ऊपर कल शाम को 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब कुछ लड़के आते हैं और उसके ऊपर चाकुओं से कई बार वार करते हैं। जब बताया जा रहा है कि उनकी मौके पर मौत हो जाती है। परिवार में आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं और इस वक्त उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? राम प्रदेश शर्मा। अच्छा क्या हुआ था सर? हम SDM दफ्तर से आए थे 5:55 में, यहीं 3-4 लड़के थे, वहाँ से आवाज लगा रहे थे, वहाँ से बाहर रोड से। मैंने कहा बेटा मुझे चाय पी लेके जा, पापा मैं अभी आया। उतना ही 5 मिनट में काम हो गया। फिर वहाँ से 2 लड़के आए कि तुम्हारे बेटा के चाकू मार दिया, 5:00 प्लाट में पड़ा हुआ है। अब मैं लड़का ये ऑटो खड़ा है, ये ऑटो चलाता है। अच्छा आपका लड़का ये वाला ऑटो चलाता था? जी। क्या उम्र क्या थी आपके बेटे? 22 साल। हाँ मैं संगम का चाचा। अच्छा आप संगम के चाचा हैं जी। आपका बताया जा रहा है पहले भी आपसी रंजित थी इन सब? रंजित मेरे पिताजी थे, एक्सपायर हो गए यहाँ पे, तो उनकी टॉयलेट वॉयलेट करने में दिक्कत हो रही थी, तो हम किराए पे रहते हैं, इनकी अपनी मकान है, तो रूम के चक्कर में ये शादी से रची गई है। मैं उसका कजन ब्रदर हूँ संगम का जी। मेरा नाम गणेश है। हुआ ये था कि मैम जो जामी था वो अपने मकान का रेंट किराए पे नहीं दे पाता था, ढंग से रेंट नहीं दे पाता था टाइम पे। मकान मालिक ने वो कमरा खाली करवा के वो मकान हमें दे दिया। जब उसने मकान हमें दे दिया तो जामी इस बात पे भड़क उठा और उसने हमें धमकियाँ दी कि मारूंगा मारूंगा तुम लोग को। तो जामी ने बीच रोड पे, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के ऊपर और मेरे बड़े भाई के ऊपर उसने बीच रोड पे चाटा वाटा उठा दिया, जिसको संगम बर्दाश्त नहीं कर रहा। संगम ने घर में घुस के मारा और ये कहा कि तूने मेरे चाचा और मेरे भाई पे कैसे हाथ उठा दिया। इसी चक्कर में वो जब पुलिस वाले में कंप्लेंट हुई तो उल्टा केस हम लोगों पे पड़ गया, क्योंकि उसकी बहन ने घर में, जामी की बहन ने कपड़े कपड़े फाड़ के हम पे उल्टा रेप केस डाल दिया। अच्छा हाँ, कब की बात है जब? ये मैम 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले जो पूरा का पूरा मैटर हुआ था उसमें हाँ, तो जब गली के कुछ व्यक्ति थे जो हमारे साथ थे उन्होंने देख लिया था कि ये हमने नहीं करा है रेप वेप जो भी है, तो उन्होंने पुलिस में आगे गवाही दी जिसमें हमें बाइज्जत बलि कर दिया गया। मगर जामी हमें बीच बीच में धमकी देता रहता था, कभी मैं जॉब पे जाऊँ कभी मेरा भाई जॉब पे जाए, इन सबको धमकी देता रहता था कि कल ना आज ना कल तुम्हारा कुछ ना कुछ कांड होगा, तुम में से कोई एक ना एक मरेगा। तो आप ये बात कभी पुलिस को नहीं बताई? बताई थी मर्डर के 3 दिन पहले। जामी और पीयूष गढ़वाली और ये बिलाल कम से कम नहीं तो 150-200 लड़के लेके आए थे संगम को मारने के लिए, मगर संगम को मैंने अपने घर पे छुपा लिया था। मैंने भाई तू बाहर मत निकल, कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। और उन सबके हाथ में मैंने अपने आंखों से देखा था चाकू था और पिस्टल लेके घूम रहे थे, और उसमें से एक लड़का जो गढ़वाल था वो आवाज़ लगा रहा था कि लड़का बचना नहीं चाहिए, उसे ऑन द स्पॉट खत्म करना है। तो इसके लिए भी हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, मगर पुलिस ने उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस कल एक्शन में आई जब मेरा भाई हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाए। आप उसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। अच्छा पुलिस ऐसा कह रही थी? हाँ जी। अच्छा मतलब पुलिस ये कह रही है कि आप पकड़ के लाओ? हाँ हाँ। आप कहाँ से पकड़ के लाएंगे? हाँ वो कह रहे हैं कि संगम में 20 लाख आदमी, हम 20 आदमी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लेके आओ उसको। मेरे पास रिकॉर्डिंग में साफ धमकी दी जा रही है मैम संगम को कि तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो तू आ जा, तो तू आ जा, तुझे देने छोड़ेंगे नहीं। वो मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कह रहे 10 बंदे आएंगे तेरी लाश उठाने के लिए, तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया ना तो भी आ जा, तेरी लाश ना लेके गए ना बंदे तो मेरा नाम बदल दिया। तेरी माँ तेरे सारे बाप बैठे हैं, माँ ने दूध पिलाया तो अलग। मेरे भाई को पूरे शरीर पे मैंने कल फोटोज देखी थाने में, मेरे भाई के पूरे बॉडी पे छेद थे यहाँ पे और गले पे चाकू और पीठ पे जो पीयूष गढ़वाली उसने एक बड़ा सा पत्थर पीठ पे मारा था, उसमें भी मेरा भाई नहीं मारा तो गले में दोबारा वार करा गया जिसमें मेरा भाई खत्म हो गया। अच्छा इस केस को कौन देख रहा है? IS प्रेमचंद। तो वो देख रहे हैं, उनको आपने बोला अभी? जी मैम, क्योंकि कल क्या हुआ था कम से कम वहाँ पे DM SP SHO सारे मौजूद थे, मैं उसमें से एक कोई एक पुलिस वाला था जिसने कहा था मामला दबा दो, मगर जो IS था प्रेमचंद वो मेरे पीछे लगे थे, उन्होंने कहा था मेरे से बार बार मेरे से सारी वारदात पूछ रहे थे, मैंने उन सब कुछ बताया। तो उन्होंने जब मेरे भाई को लेके जा रहे थे गवाही देने के लिए, उन्होंने मेरे को बोला था कि तू अपनी मम्मी को घर पे छोड़कर अकेले मेरे से आके मिलियो,
मैंने उन्हें सारे प्रूफ दे दिए लड़कों गए आप अकेले। हाँ, अकेले। क्या बात हुई थी उनको? मैंने अकेले में पहले रिकॉर्डिंग सुनाई जो बिलाल धमकी दे रहा था, तो उन्होंने मेरे को SHO जो बड़े साहब थे उनसे मिलवाया, उन सबको वो रिकॉर्डिंग सुनाई, तो वो कह रहे कि बेटा टेंशन मतलब हम एक्शन लेंगे। उसी दौरान उसकी जो गढ़वाली वड़वाली जितने भी तीन लोग थे उनकी पूरी फैमिली को उठा लिया गया, मगर ये तीनों अभी तक हाथ नहीं लगे। देखिए इस वक्त संगम की जो माता जी है वो हमारे साथ मौजूद है। आंटी कल जब ये पूरा हादसा हुआ तब आप घर पे थी? मैं कल ड्यूटी नहीं गई थी मैडम जी। आप घर पे थी, काम करती हैं आप? नहीं मैं घर पर कालका मंदिर पर मैं काम करती हूँ, सूले शौचालय में कर्मचारी के काम करती हूँ सफाई। आपको कब पता चला आपके बेटे के साथ ये सब हुआ? मेरे घबराहट आने लगा तो हम लड़के के बैठा दिए, कहे कि बाबू बैठो मेरे मन घबराहट आ रहा है, बीपी लो हो रहा है, तू बैठ जा। मैंने घर आए सोई थी, मैं सोते में बोला मम्मी चावल फ्राई कर दे। मैंने कहीं चावल फ्राई माने के कर दा कन्या, तुम मोबाइल लगा के अपनी चार्ज माने को देख रहा है। उसके बाद में 5:30 बजे उसको लड़का को फोन आया, वो बात करते चल गया तो उधर माने की किदो बुलाया, इधर से तक घेरा मार दिया था, घेरा है सारे माने सील मारा है, उधर बुला के अब बीच में माने की किदो पहले तो इसमें गोली मारा है। आपने देखा अपने बेटे को? नहीं गोली मारा है पहले पैर में। हाँ देखे नहीं हमारे तीनों मार के चल गया था, तब हमको आया वो बुलाने काके धर्मा के मम्मी तेरे संगम के चक्कू मार दिया, गोली मार दिया, जल्दी चलो। मैंने उधर गए तो उधर पैकिंग था, फिर एक लड़का हाथ पकड़ा थी उधर चलो, तो हम गए वहाँ यति वाले के पास। मैंने माने कि देखे मेरे बच्चे तो माने कि सांस चलता था, मम्मी नहीं घबरा संगम अभी सांस चल रहा है मम्मी अभी माने कि चल हॉस्पिटल लेके, तो वहाँ 3-wheeler रुकाए और वो बंटी नाम के लड़का गोदी में लिया साथे था, और वो लड़का उठा के हम सीट पर मैं भी बैठ गया वो भी बैठ गया, गोदी उठा के बतरा ले गए बतरा में अंदर में माने कि जल्दी जल्दी ले जाते टाइम आपसे कोई बात करी? बोल चाल तो कुछ नहीं कर रहा, गर्दन पर चाकू लगा था नहीं बात कर रहा था। मैं भी एमसीडी से हूँ मैडम, सच्ची में हूँ। अगर मेरे बच्चे को कानून माने कि नहीं लिया तो मैं माने कि हम की किसी इंसान से हम रोड नहीं देंगे, हम मान के रोड जाम करूंगा संगम बिहार के, पूरे रोड जाम हो गया आज, चाहे कुछ भी हो जाए रोड जाम होगा, अरविंद केजरीवाल को आना होगा यहाँ पे। कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पे बिल्कुल भरोसा नहीं, कानून पे भरोसा कुछ कानून काम नहीं दे रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है, देखे नहीं आप करिएगा कोई कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है। एक माँ है जो कितनी ज्यादा रोती नजर आ रही है और इंसाफ की गुहार इस वक्त पूरा परिवार लगा रहा है। सवाल ये है कि जब बार बार धमकियां आ रही थी, जब बार बार इन्होंने दिल्ली पुलिस को पूरी जानकारी दी, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? हम तो वोट दिए तो कोई तो आए, कोई मिलने नहीं आया विधायक, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं, सब नेता हमारे लड़का जोड़े मर के चला गया, जैसे मेरा लड़का मरा वैसे नेता मर गया, कोई नहीं जिंदा है, जिंदा होता तो आता एक बार पूछने। मैं लाश उठने नहीं दूंगी जब तक नहीं आएगा केजरीवाल लाश नहीं उठने। माने कि वोट पड़ता है ना तो हम बाबा से करती हूँ, ये बाबा मेरे माने कि कमल लक्ष्मी है मेरे, जीतना चाहिए कमल छाप मैं करती हूँ, माला जपती हूँ बालाजी के, आज जीत जाते हैं फिर भी नहीं कुछ सुनाई दिया मेरे। क्या नाम है विधायक का? मोदी है, केजरीवाल है, दिनेश मानिया है, कोई नहीं सुनवाई ले रहा है। इस मामले को बीते हुए 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है किस इलाके के ना ही निगम पार्षद इनसे मिलने आए हैं और ना ही विधायक मिलने आए हैं, कब दिल्ली पुलिस इन अपराधियों को पकड़ेगी, कब इस इलाके में शांति का माहौल होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं संगम विहार से लगातार क्राइम के और आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो जरूरी है वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। धमकी आ रही थी, आपकी तो शादी हो चुकी, कहाँ रहती हैं आप? मैं तो जी ब्लॉक में रहती हूँ। क्या डर लगता है आपको? डर नहीं लगेगा मैडम, अब तो इतना, अब तो ये सामने से मेरे भाई को कर दिया, अब जैसे पहले मेरे बच्चे तो दूध लेने सामान लेने चले भी जाते थे, अब तो मैं उनको बाहर भेजने से भी डरूंगा, मैं खुद भी निकलने से डरूंगी कि कहीं भीड़ भाड़ वाली शाम को वैसी भीड़ हो जाती है, अगर किसी ने गलती से मुझे चाकू मार दिया तो मैं किसको देखूंगी, चाकू लगेगी तो मैं थोड़ी देखूंगी, चाकू लगी हो तो बाद में पता चलेगा जब मुझे दर्द होगा,
तब तक तो लग चुकी होगी, किसको जाऊंगी बोलने? तब तो कोई पुलिस और कोई प्रशासन नहीं आएगी आगे, मेरे को झेलना पड़ेगा। ना तो इतने पैसे है मेरे पास कि मैं कोर्ट लड़ सकूं, और ना इतने पैसे कि मैं पुलिस को जाके दे सकूं। पुलिस पैसे के लिए है ना, उसको बोलो उसको सब कुछ मिलेगा। बस वो जिन तीनों ने मारा है ना उसको यहाँ पे लेके आए। मेरी माँ कल रात से रो रही है, हमने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। हमारा बोर है पानी का, जो घर घर में सप्लाई जाती है और पानी की बोतल हम सप्लाई करते हैं, वो सील कर देंगे। अपने घर के हमने पहले अपने घर के यूज के लिए किया था ये चीज, ठीक है। लेकिन जब दिल्ली, आपको पता है संगम मेरे पानी की कितनी कमी है, संगम बिहार देवरी तिरिन सब जगह में कमी है। तो ये भी बंद कर दिया लोगों ने, फोर्स किया कि भाई रामपुर में हमें पानी चाहिए। तो हमने इस चीज के लिए जब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया तो हमने पाइपलाइन जुड़वा दी। चलो कोई बात नहीं है, हमारे मन में तो इतनी छल कपट नहीं थी ना कि इनका भी टैक्स लगता है, ये अलाउ नहीं है। लोगों को देखे या सरकार को देखे, अभी सरकार तो नहीं आ रही है ना, तो पुलिस आगे पीछे मंडरा रही होती। क्यों? क्योंकि पैसे वाले के घर से हुआ है ना, और हम मिडिल क्लास है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते वहां तक, इसलिए हमारी कोई दिख रहा है आपको? इनका कहना भी सही है कि अगर ये गरीब है तो क्या कोई कार्यवाही नहीं होगी? क्या कानून गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? अगर आज इनकी जगह कोई और लड़का होता तो शायद उसको इंसाफ मिल जाता, जो आरोपी हैं वो पकड़े जाते। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।